गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि ए प्राकृतिक रेशे और प्लास्टिक। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हैं, मोस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स आर मेड बाय वेविंग यार्न वन काइंड ऑफ अनदर, यानी कि हर प्रकार का जो वस्त्र होता है वो किससे बना होता है, उसको बुना जाता है किससे बुना जाता है, यार्न यानी के धागे से बुना जाता है, एक दूसरे में उसको यानी कि एक दूसरे को आपस में मिलाकर उसको बुनते हैं ट्विस्ट करते हुए। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर, एक प्राकृतिक, और एक होता है अप्राकृतिक, यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, यही इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जाता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर का होता है मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर होते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए वस्त्र या रेशे, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। अब उनका यूज़ क्या है, यानी कि एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है इसके अंदर का? सिंथेटिक फाइबर हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, हैंस दे आर प्रीफर्ड। ये क्या होते हैं? बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, और उनमें क्या होता है वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं, और क्या होता है उसके अंतर्गत जल्दी सूखने में भी जल्दी ही सूख जाते हैं, और उनमें श्रिंक भी नहीं पड़ती हैं, सलवटें भी नहीं पड़ती हैं, किस में? सिंथेटिक फाइबर में। अब जाता है सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है ये। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स, यानी कि बहुत से धागों से बना एक कपड़ा, उसे पॉलीमर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर हम समझ चुके हैं। अब है सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। फर्स्ट आता है रेयॉन। रेयॉन एक प्रकार है इसका, मैन मेड फाइबर का रेयॉन। इट कैन इमिटेट द फील एंड द टेक्सचर ऑफ सिल्क वूल कॉटन, यानी कि उसे देखने में तो सिल्क टाइप लगता है। जो सिल्क होता है वो प्राकृतिक रेशा होता है, जबकि वो है नहीं क्योंकि वो मानव निर्मित है। प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन। अब क्या होता है रेयॉन बनाने के लिए, क्या क्या ये मतलब क्या होता है उसमें? सेलुलोज होता है, सोडियम होता है, और फिर अल्कली सेलुलोज बन जाता है, यानी कि इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यूज़, इसके यूज़ क्या क्या हैं? इसका यूज़ होता है बेडशीट बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में, मेकिंग फैब्रिक, जैसे कि कॉटन के बेडशीट, ड्रेसेस एंड एप्रन वगैरह, और कैप बनाने में। और आता है इसका यूज़ कारपेट्स बनाने में, जब उसमें वुलन यानी गर्म धागा उसमें मिला देते हैं तो बन जाते हैं कारपेट्स बनाने में इसका काम आता है, और टायर बनाने में इसका कार्य करता है ये। अब जाता है नायलोन। दूसरा है नायलोन। नायलोन इज पॉलीमर सिंथेटिक फ्रॉम टू मोनोमर्स, ये दो प्रकार के धागों से मिलकर बना होता है। इसका शुरुआत कहाँ हुई थी? नाय बराबर न्यूयॉर्क एंग लंडन, LON लंडन, यानी कि लंदन से इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? नायलॉन की। और ये फाइबर है किसका, किसकी, किस श्रेणी में आता है ये? सिंथेटिक फाइबर में। अब इसके प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होता है ये, कैसा होता है? इट इज़ स्मूथ, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। ये स्मूथ सॉफ्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका वेट जो है बहुत कम होता है। इट इज़ ईजी टू क्लीन, डर्ट डज नॉट क्लिंग, यानी कि आसानी से ही साफ हो जाता है, धूल इससे निकल जाती है। और क्या होता है ये जो होता, इसके काफ़ी सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, और इसके यूजेज आ जाते हैं, इसे कहाँ कहाँ यूज़ और कैसे किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है नायलॉन सॉक्स बनाने में, और रॉप्स बनाने में, रस्सी बनाने में, और स्पोर्ट्स के रैकेट जो होती हैं उसको बनाने में, जो इसको बुना हुआ होता है ना, ये नायलॉन का ही होता है। और ये पैराशूट जो होता है उस, ये भी नायलॉन का बना होता है। और क्लाइंबिंग रोप्स, यानी कि जो ये क्लाइंबिंग रोप्स होती है ये नायलॉन की ही बुनी होती है।
और नायलॉन स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यह जो धागे होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में किसी में भी, जैसे कि गिटार में, वो नायलॉन के बने होते हैं। और नेक टाई जो होती है वो भी नायलॉन की अधिकतर बनती हैं। कुछ शर्ट भी और साड़ी भी नायलॉन की होती हैं। अब जाता है इसका सेकंड टाइप है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का क्या अर्थ है, यानी पॉलिस्टर किससे बना है? पॉलिस्टर बना है सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत। अब इसकी आ जाती है विशेषताएं किसकी, पॉलिस्टर की। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और डबल एंड डज नॉट रिंकल्स, यानी कि पॉलिस्टर में रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, क्या नहीं पड़ती हैं, सलवट्स नहीं पड़ती हैं। और ये क्या करता है, इसमें डैमेज बाय सनलाइट और वेदर, ये डैमेज हो जाता है इसमें सनलाइट और वेदर में। ओके स्टूडेंट्स, ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये आपके टॉपिक्स कुछ क्लियर हो चुके हैं। अगला जो है टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इफ़ यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर, वो आस्क स्टूडेंट। थैंक यू।